हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद एंटर ड्रीम्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में है वेज सैंडविच, पुदीने की चटनी और चाय। हम सब ये ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद आज हमें अपना प्लांट्स एरिया क्लीन करना है, तो चलिए चलते हैं। आदो, आप छोटी बच्ची हो क्या? अब आप 6 ईयर्स की हो गई आद्या। ये कौन सी कार है आदो? बड़े पापा की कार है। बड़े पापा की कार है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बाढ़ आया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था मिट्टी मिट्टी प्लांट्स की वजह से। पानी डाला हुआ था तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो हमने सारे पौधे साइड में रखे हैं, इसको हम इस एरिया को हम क्लीन करेंगे। मैंने इसको भी कैरेट को भी साइड में रखा है, जो भी टायर्स वगैरह जो भी है। पेपर लाके ना पाल जी, पहले ना उतना दूर क्लीन कर दीजिए, उधर उधर पौधे शिफ्ट कर देंगे, फिर इधर का एरिया क्लीन कीजिएगा। वरना क्या होगा ना, इधर पॉट और भी उधर मिट्टी घिसक घिसक के हो जाएंगे। वो चीटू ने अपना घर बना लिया है, बनाया हुआ था, ये अपनी जगह बना लेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लीनिंग चल रहा है, सारे अभी क्लीन होंगे, मिट्टी बाहर निकाले जाएंगे। और ये ना एरिया थोड़ा सा पानी यहाँ लग जाता है, आप देख सकते हैं ये हाइट में है। इधर का एरिया जो है वो हाइट में है और उधर का एरिया हाइट में है। चींटियों ने अपना घर हमारे घर के अंदर ही बना लिया। इधर भी इधर बाद में क्लीन कीजिएगा, पहले वो सारा ना इधर अरेंज करने के बाद पक जाता है। कुछ चीज़ें अभी गीला भी है, इसे पानी डालने ये सब गिरेगा इसमें मिट्टी। वो सब मिट्टी 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 हो गया है। खैर, बाहर रहेगा तो हो गई, क्योंकि आंधी तूफान तो रोज यहाँ आता ही है। ये गमलों का क्या, सब पानी वाली डालने से सब गंदा होता है। कितना करवाएंगे उतना सो होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि पानी वाला से ज्यादा ना सूखा सूखा कर दो ना, वो ज्यादा पानी वाला में ना काम फैल जाता है। वो जान मुझे, वो इसी में खरीद के आया था इसीलिए। नहीं, इसको बड़ा नहीं लगा, ये बड़ा होता है पौधा। इसमें थोड़ा इसमें पानी चाहिए, पानी डालने के लिए। वो सब शाम को डलवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ अरे छोटे वाले सब इसी तरह। हाँ हाँ, ये जो मिट्टी लगा हुआ है ना साइड साइड में, इससे भी थोड़ा मिट्टी पोंछ दीजिए। ये पोंछ का है, गमला है तो मिट्टी तो रहेगा थोड़ा थोड़ा। का हेल्प कीजिए, छोटे छोटे पौधे ला के दीजिए अंकल को। इधर ना आएगा तो वो चींटे चल जाएंगे, कहेंगे ये देखो चल रहे हैं, अभी को काटेंगे भी। तो बाबू क्या
चींटा देखते रहना, ये पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। इसके बगल में दूसरा वाला मनी प्लांट रख लीजिए, नहीं मनी प्लांट ये दूसरा वाला, और मनी प्लांट कहाँ, एक ही तो है ये वाला। अच्छा इसका क्या हो गया इसका, ये यहाँ पे दीदी क्या की है कि उसको उस पौधे को ना यहाँ पे रख दिए, तो ये जो हवा चला है ना देखिए, इसे टकरा टकरा के एक भी पत्ते जब तक यहाँ था तो सूखा हुआ नहीं था। थोड़ा सा गैप रखिएगा कि हवा लगे ना, ठीक है। मतलब तीन ही रखिएगा गमले ना, इससे बड़े वाले कैरेट के ऊपर। दूसरा कौन सा रख दो, बहुत सुंदर हवा चल रहा है। तो सफाई हुए, 1 से 2 आवर्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं जो पानी में गिरा गिरा था सब अच्छे से सूख गया है। और ये वीडियो मैं शाम के टाइम में बना रही हूँ जब अच्छे से ड्राई हो गया था। तो अब हमने पौधे को भी अरेंज कर दिया है अपने तरीके से जैसे हमें रखना था। मैंने छोटे वाले प्लांट्स को ऊपर उसके पॉट को रखवाया है, और जो प्लांट्स साइज में हाइट में थोड़े लंबे हैं उसे मैं नीचे रखवाई हूँ। तो इस तरीके से मैंने अरेंज किया है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लीनिंग होने के बाद पौधों को भी लगता है कि हाँ मैं क्लीन हो चुका हूँ, तो मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सेटिंग बहुत पहले मैंने किया था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर दीदी ने सारे पॉट को उल्टा अपोजिट घुमा दिया था। हेलो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि तक्ष डोनट्स में बीजी है, तक्ष के आईज में स्वेलिंग हो गया है, शायद आईज फ्लू हो गया है जिसकी वजह से, और आगे यहाँ महान बनने की कोशिश कर रही, स्टडी कर रही है। यहाँ पे व्हील्स ऑन द बस राइम्स लर्न कर रही है, और उसके जो आदा का हैंड राइटिंग भी देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। तक्ष का और 1 डोनट तक्ष खा चुके हैं, 2nd डोनट खा रहे हैं, डोनट्स लवर हो चुके हैं तक्ष। अब हम आइसक्रीम मेकर में आइसक्रीम बना रहे हैं, आज हम मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं। लास्ट सीजन मैंगो अब का सीजन जा चुका है लगभग, लेकिन फिर भी हमें फ्रेश मैंगो मिल गया। और ये है लंगड़ा आम, तो हमने सोचा कि क्यों ना लास्ट टाइम उसकी मैंगो आइसक्रीम कैंडी वाली खा ही ली जाए। तो मैं बच्चों के साथ मिलकर यहाँ पे बना रही हूँ पॉप्स वाले, और मैं इसको थोड़ा टैप करूँगी, फिर इसको कवर करके और इसे हम फ्रीजर में रात भर के लिए रख देंगे। तो अब हमारा आइसक्रीम तैयार हो जाएगा कल तक।